आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, वैसे ही जो सक्रियता है वो बढ़ने लगी। बढ़ने लगी कैसे, कि पहले 100 दिन, फिर 3 महीने, फिर 1 साल और फिर 5वां साल का रोडमैप के हिसाब से काम करने की तैयारी की जाने लगी। और साथ ही साथ योजनाओं के समीक्षाओं के लिए प्रस्तुतिकरण भी होने लगा, और योजनाओं को किस तरह अंजाम देना है इसके लिए भी जिलेवार, बिंदुवार और मंत्रीवार समीक्षा भी शुरू हो गई। और साथ ही साथ मंत्रियों को भी आदेश दिया गया कि आप लोग अपने अपने विभाग के जो योजनाएँ हैं उनका समीक्षा करेंगे और मीडिया को उसकी जानकारी भी देंगे कि किस तरह से योजनाएं चल रही हैं और कौन सी योजना कहां तक पहुंची है और किस योजना से क्या क्या लाभ मिलेगा। अगर राजस्व प्राप्त होगा तो कितना होगा, अगर जनता को लाभ होगा कितना होगा, अगर हम भुगतान करेंगे कितना करेंगे, और तमाम तरह की योजनाओं की समीक्षा अलग अलग माध्यम से होगी और इसके लिए रोडमैप भी तैयार किया गया। और साथ ही साथ जब सरकार दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक हुई, इसमें बड़ा निर्णय लिया गया, जो मुख्यमंत्री राशन योजना है उसको 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये राशन योजना है मुख्यमंत्री की, ये केवल चुनाव तक सीमित है और मार्च 2022 के बाद खत्म हो जाएगी, पर इस योजना में सरकार पर सत्ता पक्ष ने अपने सारे विपक्ष के कयासों को दरकिनार करते हुए पहली ही कैबिनेट बैठक में ओके कर दिया, सफल कर दिया और कहा कि अब ये योजना 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ उसी शाम जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुफ्त खाद्यान्न योजना को बढ़ा देते हैं, वो भी सितंबर 2022 तक कर देते हैं। फिर विपक्ष का नया राग अलापना शुरू होता है, वो होता है कि अब तैयारी 2024 की है, और विपक्ष लगातार अलग अलग माध्यमों से सरकार पर आरोप करता जा रहा है। हालांकि सरकार भी अपने एजेंडे के तहत काम कर रही है और नित्य नई कार्यशैली के हिसाब से काम हो रहा है। जो पिछला कार्यकाल था उस कार्यकाल की बात करें तो बेहतर काम हुआ, और साथ ही साथ जो कुछ समय कुछ योजनाएं लंबित भी हुई तो वो कोरोना विभीषिका के कारण हुई, यानी कोरोना महामारी थी उसके चलते तमाम जो योजनाएं थी वो लंबित हो गई थी और साथ ही साथ उन पर काम नहीं हो पाया था। तब भी प्रयास ये रहे कि आर्थिक आधार पर भी उत्तर प्रदेश पिछड़े नहीं, और उसके लिए बेहतर दृष्टिकोण भी रखा गया और बेहतर कार्य योजना भी रखी गई। अभी जो हाल का चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 की तरह अब भी उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बड़ा निर्णय दिया। उन्होंने कहा है कि जो मंत्री है वो अपनी और अपने परिवारजनों के साथ साथ IAS, IPS और PCS अफसर हैं, वो सभी अपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे और एक पोर्टल के माध्यम से आम जनता के लिए ब्यौरा रखा जाएगा। ये आदेश उन्होंने 3 दिन पहले दिया है। इसके पहले भी जब उनकी 2017 में सरकार बनी थी तब भी ये ब्यौरा दिया गया था, पर उस ब्यौरा देने के बावजूद कितने लोगों ने ब्यौरा दिया, कितनों ने नहीं दिया, ये भी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ये जो ब्यौरे वाली बात है ये अलग राज्यों में मांगी जाती रही है। अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने अपनी परिणाम की यानी अपनी सत्ता संभालने के 1 महीने बाद उन्होंने निर्णय लिया था। 30 जून 2012 को उन्होंने कहा था कि जो सारे मंत्री हैं वो अपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, जो अफसर हैं संपत्ति का ब्यौरा दें। पर अमूनन होता ऐसा है कि केवल कहा जाता है, उसके बाद कितने मंत्री अधिकारी ब्यौरा देते हैं ये जांचना और ये समझना गौरतलब होता है। फिलहाल इस जो मुद्दे पर क्या लोगों के बयान आए, वो बयान सुनते हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री के निर्देश का सभी लोग पालन करेंगे और शीघ्र अपना ब्यौरा देंगे, और ये बहुत जरूरी चीज है। समाज में पारदर्शिता रहनी चाहिए। अधिकारी नेता क्या है, बहुत से लोग तमाम सारे विचार विमर्श करते हैं, लोगों के बारे में परसेप्शन बनाते हैं। जब लोग अपनी संपत्तियों का विवरण दे देंगे तो जनता के मन में साफ हो जाएगी, छवि बनती है, छवि का निर्माण होता है, और इन परसेप्शनों पे भ्रम के दौर में नहीं चलना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, मुझे लगता है शीघ्र सभी नेता और सभी अधिकारी अपनी संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक करेंगे। देखिए, झूठों की सरकार है, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो जो कहते हैं वो करने के लिए नहीं कहते हैं, वो जो कहते हैं वो मीडिया में केवल चलने के लिए, कि मीडिया में चल जाए कि मैंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों से, 5 साल पूरे बीत गए, 17 में उन्होंने कहा 2% भी अधिकारियों और मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, 2022 में भी कहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 तक ये किसी भी मंत्री और अधिकारी से संपत्ति का विवरण नहीं ले पाएंगे। योगी जी के मंत्री योगी जी के कहने में नहीं है,
अधिकारियों में मुख्यमंत्री का कोई इकबाल नहीं है, क्योंकि वो सब केंद्र से तय होते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के कहने का कोई असर न उनके मंत्रियों पर है और न उनके अधिकारियों पर है। वो मुख्यमंत्री कहते रहेंगे और अधिकारी भ्रष्टाचार करते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, उनके कहने से कोई, जब 5 साल पिछले नहीं दिया तो इस 5 साल में भी नहीं देगा। तो ये आपने देखा एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान थे। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो ये मुद्दा है वो आज का मुद्दा है, संपत्ति का ब्यौरे का मुद्दा है, और ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है कि लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को आरोप करता रहता है कि सरकार आदेश देती है पर अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप केवल योगी सरकार में नहीं है, इसके पहले भी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 30 जून 2012 को एक आदेश दिया था, उसके बाद भी अधिकारियों ने उनके आदेश को दरकिनार करते हुए ब्यौरा नहीं दिया था। और जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2017 में आती है तब उन्होंने भी आदेश दिया था 24 मार्च 2017 को, और वो आदेश देने के बावजूद भी कई बड़े अधिकारी थे जिसमें बड़े कई बड़े नाम भी शामिल हैं जो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, चलना अचल। इसके बाद जब 2022 में योगी सरकार को दोबारा मौका मिला है, बीजेपी को दोबारा मौका मिला है और नए सिरे से नई कार्यशैली से काम कर रही है, तो दोबारा उसी पटकथा पर चलते हुए उन्होंने आदेश दिया है। और इस बार आदेश उन्होंने सबको सार्वजनिक रूप से दिया है कि आपको चल का भी ब्यौरा देना है, अचल का भी ब्यौरा देना है, अपना भी ब्यौरा देना है, अपने नाते रिश्तेदारों का भी ब्यौरा देना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मंत्रालय या मंत्री पद से जुड़ा पारिवारिक सदस्य सरकारी काम में बाधा नहीं डालेगा। खैर, इस नई कार्यशैली में आदेश तो कई दिए गए, कई बातें की गई, कई तरह के जो नियम कानून बनाए गए हैं कि मंत्री बाहर भी नहीं जाएंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार उनको लखनऊ में रहना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ एक अलग तरीके से उनकी कार्यशैली चल रही है। अभी उन्होंने योजनाओं की समीक्षा के लिए जनता संवाद के लिए 18 मंत्री समूह बनाया है। उन्होंने कहा है सभी लोग मंडलीय निरीक्षण करेंगे, मंडलीय जो जिलेवार जाएंगे, वहाँ पर एक प्रकार से योजनाओं की समीक्षा करेंगे, वहाँ जनता संवाद भी करेंगे, समस्याओं को भी जानेंगे, और सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ बताया गया है कि हम जो अगर जनता ने हमको मौका दिया है, तमाम तरह के जो मुफ्त के वादे जो विपक्षी पार्टियों ने दिए थे उन वादों को नकारते हुए अब हम इस पर काम करें। फिर चर्चा पर जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से देशबंधु दीक्षित जी, हमारे साथ अपना पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता के रूप में जाबिर अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, और रालोड से आरिफ महमूद जी हमारा इस डिबेट में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा बीजेपी से कि देशबंधु दीक्षित जी, बीजेपी ने 2017 में भी जब सरकार आई थी तब भी 24 मार्च 2017 को योगी जी ने एक आदेश दिया था कि सारे जो मंत्री हैं अधिकारी ये अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, पर उस आदेश के बावजूद अफसरों ने अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, बहुत सारे बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। और उसके बाद जब दोबारा सरकार आई, दोबारा दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो अभी उन्होंने फिर ये बड़ा आदेश दिया है 2 दिन पहले। तो क्या मानते हैं, केवल आदेश ही दिया जाएगा या इस आदेश का पालन भी होगा? जैसा कि आपने कहा था, जब मुख्यमंत्री ने पहली बार शपथ ली थी जी, तो अनेकों लोगों ने ब्यौरा दिया था लेकिन कुछ एक लोग छूट गए थे, उस बात से आपकी मैं पूरी सहमत हूँ जी। लेकिन आपने देखा जो पहली 5 वर्ष हमारी सरकार रही उसमें आपने देखा होगा भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप, पहली ये सरकार रही भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं तय हुआ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये मुख्यमंत्री 2.0 का जो दूसरा कार्यकाल है और जो अभी आदेश आया है कि सभी संपत्ति, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे परिवार वाले हो, यहाँ तक कि प्रधानों की संपत्ति निचले स्तर तक, देखिए भ्रष्टाचार पर हमारे मुख्यमंत्री का 0 tolerance है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक विपक्ष के प्रधानमंत्री स्वर्गीय हो गए दिवंगत माननीय, उन्होंने कहा था जब 1 रुपये ऊपर से चलता है तो जनता तक आते आते 15 पैसे, तो हमारी सरकार का ये मंतव्य है कि ये जनता का पैसा है और जनता के लोक हित के कार्यों में ही उपयोग करना चाहिए। और सबसे पहली बात है पारदर्शिता की। दीक्षित जी, पर यहाँ पर सवाल ये है कि जब आदेश दे दिया जाता है तो आदेश का अधिकारी पालन क्यों नहीं करते हैं? भाई मंत्रियों के लिए नया आदेश है पर अफसरों के लिए आदेश दिया जाता है, और बाकायदा ये आदेश केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में भी बाकायदा एक गवर्नमेंट ऑर्डर दिया गया 2021 में, वहाँ पर भी लोगों ने पालन किया, बिहार में भी इसका ऑर्डर दिया गया, वहाँ पर भी आदेश दिया गया, वहाँ पर भी लोग पालन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी दिया गया, कुछ लोगों ने पालन किया, कुछ लोगों ने पालन नहीं किया।
तो जो पालन ना करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? या 2017 के 2022 भी निकल जाएगा और फिर आने वाले समय में जो अगर दोबारा सरकार बनती है फिर भी यही धरना चलता रहेगा, तो कार्रवाई कब होगी? और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। देखिए गौरव जी, चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति, ये मुख्यमंत्री का आदेश है। और जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी आती है तो हम सत्ता की लुलुकता नहीं, आपने, मैं विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, मैं पहले अपनी बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का लोगो है कि हम जनता के हित से जुड़े संवाद, विपक्ष की तरह एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करना और जनता से कट कर रहना, ये विपक्ष की आदत है। आप देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्र में, विपक्ष की पार्टी के नेता राहुल बाबा आज कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनाव के समय एक इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से आती हैं और वो इवेंट खत्म हो जाता है और वापस चली जाती हैं। विपक्ष आज जनता से कट के दूर हो। आपने देखा आज मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि सप्ताह के अंतिम 3 दिन सभी पदाधिकारी, सभी मंत्रीगण का एक समूह बनाया गया जो जिले में जाएंगे, जनता दरबार लगाएंगे और जनता के, देखिए अगर किसी भी समस्या को हमें सुलझाना है तो जनता से कनेक्टिविटी हमारी बेहतर होनी चाहिए। और जो आपने कहा जो बड़े नाम है, अब मैं आता हूँ आपकी बात का, जो आपने प्रश्न पूछा था उसका जवाब आप मुझे 30 सेकंड और दें। जो आपने कहा बड़े नाम, ये हमारा मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है, जो कोई भी पिछली सरकार में जिसने कोताही की थी, और अभी भी आपको बता दें कुछ लोग समाजवादी मानसिकता से बने हुए हैं, कुछ बने हुए कुछ अधिकारी समाजवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है। अब की सभी को अपनी आय की संपत्ति का विवरण, और देखिए उनका सख्त निर्देश है कोई भी सरकारी काम में किसी के परिवारवाद का आरोप, देखिए हमारी पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारा ये वो रहता है कि सरकारी कार्य में कोई भी परिवार का आदमी या रिश्तेदार या कोई भी आदमी बाधा ना पहुंचाए, जनता के जुड़े कार्यों से जनता से संवाद हो, 3 महीने के समय सीमा दी गई जनता के बीच रहकर। और ये जो रोड मैप है 100 दिन का, ये जो हमारा खाका बनाया है रोड मैप, ये आपको देखिएगा, ये एक हमारा विजन है कि पहले 100 दिन में हम जनता के सामने अपने मुद्दे ले जाएंगे और जो चुनाव के कारण हमारी जो प्रगति के कार्य हैं जो थोड़ा धीमे हुए थे क्योंकि चुनाव आचार संहिता का एक बाध्यता रहती है, वो खत्म हुई है। और देखिएगा आप डबल इंजन की सरकार 2024 में समय सीमा देश को हम ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, समय सीमा 100 दिन की दी गई है संपत्ति का खुलासा करने के लिए। नहीं देखिए वो एक नियम है और 100 दिन बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं। वो आदमी देखिए इस समय काम भी कर रहा है, सरकारी कार्य भी बहुत हैं, आपने देखा होगा बजट भी पास हुआ, उधर 2-3 महीने हम उससे पहले भी 6 महीने कोरोना के कारण भी बहुत सरकारी काम में रुकावट आई, लेकिन उस पर भी विजय पाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की। और उसके बाद भी अब जो कार्य हमारे धीमी गति से हैं वो देखिएगा डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से। जावेद जी जुड़े हुए हैं, जावेद अहमद जी सपा से। जावेद जी, पूरी बात आपने मेरी सुनी और डीसी जी का भी बयान सुना आपने, क्या कहते हैं इनके बयान पर? देखिए गौरव भाई, बहुत साफ सी बात है, कौन नहीं जानता है कि हम तो मतलब बहुत दूसरी तमाम उसको विस्तृत तरीके से बृहद तरीके से बताएं, कौन नहीं जानता है कि ब्यूरोक्रेसी के इशारे पर अब सरकारें नाचती हैं। योगी जी के पार्ट वन के कार्यकाल में तो मंत्रियों के 2-4 को छोड़ दीजिए, आम जनमानस मंत्रियों के नाम तक नहीं जानता था। टीम 11, टीम 9 बस यहीं तक पूरी सरकार की भूमिका रहती थी और मुख्यमंत्री जी भी उन्हीं से चर्चा और भ्रष्टाचार के आप तो बात न करें हमारी, आप अपनी बात रखें, अपना पक्ष तो आप क्या है, आप हमारी बात करेंगे भ्रष्टाचार के आखंड में कहां रुके हैं? देखिए डिबेट नहीं होती है, ये कहां जी कहां है जिसको डिबेट की मर्यादा, जी बारी बारी कुलदीप सिंह कहां है आप अपनी बात करिए भ्रष्टाचार के आखंड में, और जहां तक आय की अधिक संपत्ति का है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं आप उनकी बात करेंगे? अब आप सरकार से गौरव जी मैं नहीं बोलूंगा, इसी आदमी को बोलने दीजिए, ये बारी 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 आदमी इसको डिबेट का तरीका भी नहीं पता, बारी बारी डिबेट का संस्कार हमें मत, हमें संस्कार डिबेट की मर्यादा मालूम है, झूठ और प्रेम की बातें न करा करिए, आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर बोलने आए इस तरीके से बीच में नहीं, बारी बारी मैं नहीं बोलूंगा
जावेद भाई, मैं गौरव जी डिबेट को छोड़ूंगा भी नहीं, मैं बोलूंगा। नहीं आप बोलिए जावेद जी, बोलिए। किसी आदमी को बोला ही नहीं, मैं नहीं। जावेद जावेद जी आप जवाब दीजिए, आदमी को बोलने दीजिए। नहीं बोलिए बोलिए, आपकी बारी, आपकी बारी, बोलिए। अब जीजी नहीं बोलेंगे, ये पता नहीं कहां से। नहीं नहीं आप बोलिए जी, ये बीजेपी ने इनको, देखिए गौरव जी इस तरीके से बात नहीं होती जी, बोलिए। आदमी आदमी पहला राउंड जब डिबेट ओपन हो जाए तब आइए, आप करिएगा झगड़ा मुझसे, मैं बताऊंगा आपको। नहीं मैं झगड़ा करने नहीं आया, आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं। नहीं आपको कुछ पता नहीं है, आपको यही मतलब ही नहीं मालूम। मैं अर्थ बताता हूँ, डिबेट का मतलब होता है चर्चा, चर्चा झगड़ा नहीं होता। यही तो आपकी मानसिकता है, आप लोग खाली हर चीज को डिबेट को भी झगड़ा समझते हैं। प्रदूषित है, नहीं मानने, डिबेट का पहले मतलब समझ के आइए। झगड़ा नहीं करना होता है, बकवास नहीं करना, तथ्यों पर बात करनी होती है। खाली बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना होता है, झगड़ा करना, यही झगड़ा ही तो आप लोग कर रहे हो। और झगड़ा करके प्रदेश को यहाँ पहुँचा दिए, कितना बारी बारी बोली आप बोलिए, आपकी भाषा ही बता रही है कि आप कितना अध्ययन संस्कारी है। जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा उसको मैं वैसी बातों में। अरे तो सुनिए, सत्यम समाचार है फिर हमें भी आता है, इसका मतलब भी बता दूंगा। झगड़ा ही आता है आपको, सटे सत्यम समाचार है, भाषा वाली समझाइए। बिजली कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के घोटाले में आपने तीन अधिकारियों की सीबीआई जांच से योगी जी की सरकार ने तीन दिन पहले क्यों इनकार किया, हमको इसका जवाब दो। ये भ्रष्टाचार के को छिपाने का मामला है कि क्या मामला है? तीन बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आपने सीबीआई जांच कराने से इनकार किया, क्यों किया? आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बताइए, आजम खान के ऊपर इतने आरोप लगे, उसके अटूट संबंध के जवाब दे दीजिए। आजम खान बकरी चोरी करेंगे, आया करो मित्र के कुछ ज्ञान बताइए। सुनो, आप जो घोटाले रिवर फंड घोटाले पे आपका क्या आरोप है? भ्रष्टाचार का जो घोटाला करने वाला आपकी पार्टी का विधान बात करो, आपने बारी बारी से बोली, बारी बारी से उत्तर प्रश्न नहीं करने वाला आपकी पार्टी का एमएलसी है। नाम ना मालूम हो तो कहो, बता दे। रिवर फ्रंट का घोटालेबाज आपकी पार्टी का माननीय सदस्य विधान परिषद है, अब और बताओ। इसीलिए और बताओ ना, जनता नाम ना मालूम हो बोलो, उसका नाम भी बता दे। नहीं, जनता 2017 के चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी उछल उछल के उसका नाम एक डायरी ले लीजिए, दोबारा एनएलसी हुआ। केवल नाम नोट करिए, जनता जनार्दन ने आपके भ्रष्टाचारों पे आज अरे आपको बोलना है बोलो भाई। भाई गौरव जी, मैं नहीं इससे बात कर पाऊंगा इस आदमी लोगों से के साथ। बोलिए बोलिए बोलिए, अब आपको पूरा मौका है, बोलिए बोलिए, चलिए नाराजगी मत होइए, बोलिए बोलिए जावेद भाई। चलिए ठीक है, आरिफ महमूद जी को ले। आरिफ जी, आपने पूरी बातें सुनी, शायद हमारे भाई जावेद जी नाराज हो गए हैं, तो दोबारा उनको जोड़ने प्रयास करते हैं। आरिफ भाई, पूरी आपने बातें सुनी, अपना जवाब बताइए। हेलो, मैं कोई टीका टिप्पणी में नहीं कर रहा हूँ। अभी दीक्षित जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई डिबेट का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने उनके डिबेट का मतलब सुन लिया। अब हम दीक्षित जी से बड़े अदब से कहना चाह रहे हैं कि डिबेट का मतलब तो आपने बता दिया, मगर डिबेट की मर्यादा आपको भी रखनी चाहिए। अगर आपने अपनी पूरी बात कह ली, दूसरे की बात आप सुन लीजिए, उसकी बातों को नोट कर लीजिए, और आपकी बारी आए आप उसका जवाब दे दीजिए। ये डिबेट की मर्यादा है। अब रहा सवाल के योगी जी ने अगर कहा कि अधिकारी अपने पूरा ब्यौरा दें और सारे मंत्री अपने पूरे ब्यौरा दें, तो 100 दिन का समय दिया है और 100 दिन के समय का हमें इंतजार करना चाहिए। 100 दिन के अंदर फिर आप डिबेट लेकर के आइएगा कि मोदी जी के कहने का पालन किसने कितना किया। पिछले 5 वर्षों में तो मुझे नहीं दिखा। और योगी जी को चाहिए कि जिन मंत्रियों ने, जिन अधिकारियों ने पिछले 5 वर्ष अपने ब्यौरे का पालन नहीं किया और अपना ब्यौरा नहीं दिया, उन अधिकारियों को एक तो चार्ज नहीं देना चाहिए और उन मंत्रियों को ऊपर पेनाल्टी भी लगानी चाहिए, या तो उनको मंत्रिमंडल से भी दूर रखना चाहिए था। मगर चलिए कि उनका अपना मामला है, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है। मगर मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह की भी बातें जनता के बीच में लाने के लिए अगर की जा रही हैं और उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ये एक अलग मुद्दा हो गया। अगर ये पारदर्शिता लाने के लिए आप कर रहे हैं और आपके मंत्री और आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपको उनके प्रति भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है
कि योगी जी जो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं बहुत बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं, कि जनता के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं, हम उनके कुछ निर्णयों का की सराहना भी हम करते हैं, तो उन्हीं निर्णयों में एक अगर ऐसा कदम उठा ले तो हम लोग विपक्ष वाले भी उनकी इस बातों की हम सराहना करेंगे, ये मेरा कहना है। चलिए ठीक है, पवन जी हमारे जुड़े हुए। पवन जी, आपने पूरी बातें सुनी और जो फैसले हैं वो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह फैसले लिए जा रहे हैं, और जो अफसरों से संपत्ति का ब्यौरा मांगने की जो प्रक्रिया है ये बहुत पुरानी है और केंद्र से भी कहा गया है, कई राज्यों में भी कहा गया है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव ने 2012 में भी ये आदेश दिया था 30 जून 2012 को। उसके बाद जब योगी सरकार का पहला कार्यकाल शुरू हुआ तब उन्होंने आदेश दिया और कई बड़े नाम ऐसे रहे जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, और जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो फिर ये ब्यौरा देने की बात कही जा रही है। अब मंत्री भी इसमें शामिल हो गए हैं, मंत्री उनके सगे संबंधियों को अपना अपना ब्यौरा देना पड़ेगा, पर एक बार स्पष्ट बताइए क्या कारण है कि कुछ अधिकारी ब्यौरा देते हैं कुछ अधिकारी ब्यौरा नहीं देते हैं, क्या समस्या है कि सरकार आदेश देती है और उन आदेशों की लगातार अवहेलना करते हैं, और कई बड़े नाम ऐसे हैं जिन लिस्ट में शामिल है जिन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। गौरव जी, पिछला 5 वर्ष भी हम लोगों ने देखा है, आने वाला 1 महीना भी बीत चुका है, 4 साल 11 महीने इसमें भी पीछे हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, जब आदित्यनाथ योगी जी आए हुए थे सरकार में, पिछली सरकार में उनकी कुछ अच्छे अच्छे कार्य थे, उन कार्यों में एक ये भी था जो आज आया है, फिर 3 महीने का समय दिया गया है, और मुझे जहाँ तक लगता है उसमें अगर हम 1% भी कहें कि अगर सामने से आया हो, रिजल्ट आया हो, तो ये नाइंसाफी हो, 2% भी नहीं हो सकता है, 1 से 2% के बीच में आया है, ये हम आप सभी जानते हैं। धरातल पे हमारा मुख्यमंत्री होनेस्ट, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ सबसे अच्छे हैं, जो घर का मालिक होता है उसकी ईमानदारी से परिवार नहीं चलता है, उसका कर्तव्य होता है कि उसके परिवार के सभी सदस्य ईमानदार होनेस्ट हों। आदित्यनाथ जी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और वो कर भी रहे हैं, एक एक करके निर्णय ले रहे हैं और डिसीजन भी जो ले रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे निर्णय आ रहे हैं। आज जुमे की जो अलविदा की नमाज होती है, आज अलविदा का नमाज था, और इस अलविदा की नमाज को हम हर साल जब भी होता था यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्षमा करिएगा खासी आई, उत्तर प्रदेश में जब भी अलविदा का नमाज होता था तो हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 2846 जगह ऐसे थे जो संवेदनशील थे। इस 2800 के लगभग में लगभग 1000 जगहें पर तोड़ फोड़, आगजनी, लड़ाई झगड़े होते थे। आरिफ जी अभी आप कह रहे थे कि मर्यादा क्या होती है, मर्यादा को थोड़ा जवाब दीजिएगा, हम प्रूफ के साथ करेंगे, हम प्रूफ के साथ देंगे सर। आज अवनीश अवस्थी जी, आज हमारे उत्तर प्रदेश के ACS अवनीश अवस्थी जी की ये बहुत बड़ी जीत है, ये आदित्यनाथ योगी की बहुत बड़ी जीत है कि अलविदा का नमाज हो गया, कहीं सड़क पर उत्तर प्रदेश के सड़क में कहीं भी सड़क पर ना नमाज पढ़ा गया, न ही कहीं पे दंगा हुआ, न कहीं फसाद हुआ, और न ही कहीं गिरफ्तारी हुई, ये सबसे बड़ी जीत है। अलविदा की नमाज पर ये आरिफ जी हम आपको प्रूफ देंगे, इसके पहले चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, ये सब होता था, इसको आप एक्सेप्ट करिएगा, ये अवनीश अवस्थी सर की, अवनीश अवस्थी जी की बहुत बड़ी जीत है, ये आदित्यनाथ योगी जी की बहुत बड़ी जीत है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये आपको समझना होगा। आप अगर उनके भक्त हैं, ये यही तो दुर्भाग्य है, अगर कोई सच्चाई कहे तो आपको भक्ति भक्त नजर आता है। आरिफ जी ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि अगर कोई अच्छी बातें सच्ची बातें बताता है तो उसको आप भक्त बना देते हैं। हमने इसके पहले जब बताया कि पिछले 5 साल में जब आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनका क्या व्यवस्था, नहीं अलविदा पर आप बताइए कहाँ झगड़ा हुआ है,
आप 10 जगह मुझे गिना दीजिए इस चैनल पर। आप सुनिए सर, आप सुनिए, अरे 10 नहीं सर, हम 11 सुनाएंगे सर। 11 नहीं, आप 5 गिना दीजिए। सुनिए सर, अरे सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं सर। हिंदू मुसलमान भाई पहले भी मिल करके रहते थे, आज भी योगी जी की मर्यादा को उन्होंने रखा है, दो समुदाय के लोगों ने रखा है। आरिफ जी देखिए, आरिफ जी आप अच्छे व्यक्ति हैं, सुनिए सुनिए, आरिफ जी आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, दीक्षित जी अच्छे व्यक्ति हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया हर हिंदू और हर मुस्लिम अच्छा व्यक्ति है। आप इसको सोचिएगा, हर जगह हुड़दंगी होते थे, ये हुड़दंगी हर हुड़दंग एक अलग चीज है, मगर अलविदा की नमाज पर कहीं कोई विवाद हम, अरे सर कैसे नहीं हुआ सर, हम आपको बता रहे हैं कहाँ हुआ सर, आप नोट करिए, कापी कलम निकालिए, अलविदा पर बताइएगा, अलविदा पर बता दीजिएगा, अलविदा की नमाज पर बात कर रहे हैं सर, आप देखिएगा ये अलविदा की नमाज पर मुझे आप बता दीजिए, आप 10 जगह बता दीजिए कहाँ विवाद हुआ है। फालतू चैनल पर मत बोलिए बैठ करके, अरे सर इतने अरे सर आप राष्ट्रीय आप एक राष्ट्रीय चैनल को फालतू चैनल कह रहे हैं, आप तो खाक है। आरिफ जी, आरिफ जी आप क्या बोल रहे हैं सर, आरिफ जी आप क्या बोल रहे हैं सर, आप किसी चैनल को, अरे जी मैं आपको रोक रहा हूँ, अच्छा, मुझे रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं। पिछली बार आप बताइए, पिछले 5 सालों में 10 जगह बताइए अलविदा के मौके पर झगड़ा हुआ हो तो। 10 नहीं सर, 11 होते थे, आप दर्जन भर नोट करिए ना, आप बता दीजिए, आप 20 बता दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बताइए तो। श्रीमान आपको सब जानकारी है, आप जान करके अनजान मरना चाहते हैं, आज होती तो मैं आपसे पूछता, नहीं तो अगर आप प्रवक्ता हैं सर, आप राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रदेश में क्या हो रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बात नहीं। आप सुनिए 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 सुनिए, आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सर पिछली बार की भी सरकार में हिंदू और मुसलमान दोनों भाई कहीं नहीं लड़े। अरे सर ये आप याद आप कह रहे हैं, काश आपकी हर बात सही निकले, काश आपकी हर बात सही निकले सर, आरिफ जी आपकी हर बात सही निकले, हम प्रूफ दे रहे हैं ना, आप नोट करिए सर, आप नोट करिए ना सर, आप नोट करिए सर, अखिलेश सरकार में, सुनिए नोट करिए, अखिलेश सरकार में गोंडा जिले में कटरा विधानसभा है, वहाँ पे दंगा हुआ था, आप नोट करिए, आप नोट करिए, बस्ती जिला, सुनिए सर सुनिए, आप बलरामपुर जनपद नोट करिए, आप बलरामपुर जनपद नोट करिए, वहाँ पे गैसड़ी में आपके यहाँ दंगा हुआ था, आप कहाँ है सर, अरे सुनिए ना ही अलविदा की नमाज पर ना गोंडा में हुआ है ना बलरामपुर में हुआ है। अरे सर आप पता करिए सर, आप पता करिए, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आरिफ जी आग है कि आपको जानकारी नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की जानकारी नहीं है। चलिए फिलहाल फिलहाल मुद्दा यहाँ पर लोगों में आप लोग आपस में फूट पैदा करते हैं, जी बिल्कुल, चलिए फिलहाल मुद्दा यहाँ पर मंत्रियों और अफसरों के संपत्ति का ब्यौरा है, 1000 से ज्यादा ब्यौरा हो गए, अभी आप मुझे डिबेट की मर्यादा समझा रहे थे, जितना की बात करते हैं, पश्चिम में क्या हाल हुआ रालोद का पता चल गया, आप लोग जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदायवाद के चिंगारी जला जला के उत्तर प्रदेश को गर्त में ले आए, जनता जनार्दन ने आज पटकनी दी, आप बात कर रहे हैं और बोलने की और वाणी की मर्यादा आप सिखा रहे थे, डिबेट कैसे जाती इसका मतलब सिखाया जाता है, अरे आप पहले अध्ययन करके आइए, और आपको बता दूं, चलिए उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, सुनिए बारी 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 सीखिए, आप कह रहे थे ना बोलने की बात, सुनिए उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पय पानम भुजंगनाम केवलम विश्ववर्धनम, अर्थ नहीं जानते होंगे तो बता दें, मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, अभी आप महामूर्ख थे और उपदेश दे रहे थे, और आप इतने प्रतिष्ठित चैनल पर वही मैंने कहा कि आप लोग केवल झूठ बातें फैलाकर जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पे उत्तर प्रदेश के टुकड़े टुकड़े गैंग कर देने वाली की मानसिकता रखते हैं, आपको ये नहीं मालूम कहाँ कहाँ दंगे हो गए, बसपा और सपा की सरकार में 1000 से बड़े दंगे हुए, आपको जानकारी नहीं है, प्रवक्ता बनकर टीवी पे आने से नहीं होता है, वही मैंने कह दिया ना, पहले जानकारी रखिए, आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे झूठ बोलते हैं, उसका आप कहते हैं पत्रकार से मानसिकता बदले, आपको बारी बारी से बोलिए,
ही जवाब है कि रालोद काजगर के मुंह पे ऊपर चढ़ाओ ये पार्टी आपकी समस्याओं के इतिहास के पन्नों में आपकी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ बारी बारी से बारी बारी से भाई चलिए मुद्दे पे आते भाई मुद्दे पे आते हैं भाई चर्चा के विषय पे आइए भाई चर्चा के विषय पे आइए चर्चा का विषय क्या है आरिफ भाई चर्चा के विषय पे आइए यहाँ विषय अलविदा की नमाज या दंगा नहीं है यहाँ विषय ये है कि अधिकारियों की सब सुन लीजिए ऋषि जी संपत्ति का ब्यौरा इतने अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम सफल हुआ बिल्कुल बिल्कुल स्पीकर बंद हुए इसके लिए भूरी भूरी जनता प्रशंसा इसमें दोनों धर्मों के लोगों की इस बात का है दोनों धर्मों ने इसको स्वीकार किया और आदेश का पालन किया इसमें दोनों धर्मों के जो प्रमुख हैं दोनों धर्मों के जो लोग हैं उनकी भूमिका रही है कि लाउड स्पीकर वाले मामले पे कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम भी की गई और जो अवैध लगे हुए थे उनको उतारा भी गया। खैर हमारा मुद्दा यहाँ पर दूसरा है मुद्दा ये है कि अधिकारियों से कहा गया 12 में भी अखिलेश यादव ने कहा उसका 17 में योगी आदित्यनाथ ने कहा और 22 भी दोबारा कहा तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अधिकारी ब्यौरा क्यों नहीं देते हैं और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी क्या कारण है कि ये ब्यौरा नहीं देते हैं इस पे हम चर्चा के लिए बैठे हैं और ये ब्यौरा कब तक देंगे और अगर जो ब्यौरा नहीं देंगे उन पर सरकार कार्रवाई कब करेगी ये हमारी आज का चर्चा का विषय है क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहले से ज़्यादा सक्रिय है और लगातार एक एजेंडे और एक रोडमैप की तरह काम कर रहे हैं एक उन्होंने रोडमैप लिया है और हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से दूसरे कार्यकाल में सक्रिय है बहुत तेज़ी से यहाँ काम करते नजर आ रहे हैं पर यहाँ पर जो उन्होंने दोबारा 2017 की तरह आदेश दिया है उस आदेश का अनुपालन अधिकारी किस तरह करेंगे और ना करने वालों पर कार्रवाई क्या होगी ये हमारी चर्चा का विषय है और चर्चा के विषय के लिए आर एफ महमूद जी आप बताइए कि अखिलेश यादव थे और उन्होंने भी आदेश दिया था उस समय भी पालन नहीं हुआ 17 में भी पालन नहीं हुआ 22 की बात है अब किस तरह पालन होगा और अधिकारियों पे कार्रवाई अगर नहीं होती है तो क्या किया जाना चाहिए भाई देखिए गौरव जी मेरा साफ मानना यही है कि अखिलेश जी ने जो भी किया जनता ने उनको नकार दिया अखिलेश जी चले गए आप भारतीय जनता पार्टी शासन में है मौजूदा वक्त में योगी जी जो निर्णय ले रहे हैं अखिलेश जी चलेगा साथ में आप भी चले गए अभी तो पूर्ण करिए आप गलत क्यों तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं अखिलेश जी गए साथ में आप भी तो गए आपकी जानकारी के लिए बता दें अखिलेश जी चलेगा आप कहां गए साथ सत्ता में नहीं था पिछली बार सत्ता मिलेगा हम तब भी विपक्ष में थे और आज भी हम विपक्ष में हैं गठबंधन में चुनाव हम जरूर लड़े उनकी सरकार में हम अखिलेश जी के साथ अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी चले गए तो आप भी तो चले गए विपक्ष में बैठ के तो मेरी बात आप चिंता करिए और अपनी हार की समीक्षा करिए सवाल नहीं पूछा गलत तोड़ मोड़ के बाद मत करिए आप इसीलिए कहता हूँ झूठ बोला करिए तो लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोला करिए आप गठबंधन में साथ थे अभी एक महीने में आपकी याददाश्त कमजोर हो गई आप साथ दोनों युवा घूमते थे तब आप साथ में सरकार बनाते थे और हमारे ऊपर आरोपों की बौछार करते थे व्यर्थ के आरोप लगाते थे और जब हार गए तो अखिलेश जी चले गए आप जो है आप नहीं गए आप जो झूठ ये जो झूठ का ये सुनिए मान्यवर ये जो झूठ की गठरी लेके आप बैठे रहते हैं ना ये झूठ की गठरी लेके आप बोलने नहीं देंगे आप झूठ बोलते हैं बगल में सपा के प्रवक्ता बैठे आप उनके साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे कि नहीं आप सपा के साथ थे कि नहीं थे आप भोज स्वीकार नहीं करते हैं आपकी क्या यथा स्थिति है आप वो चीज बताइए ना योगी जी की बात मत करिए माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना दिया यही आपकी कमी है इतनी बड़ी उपलब्धि पे जनता मुद्दा दूसरा है भाई हिंदू मुसलमान की मुद्दा दूसरा है दीक्षित जी आर्य भाई आज हिंदू मुसलमान ईद भी मना रहे हैं नवरात्रि भी मना रहे हैं चलिए चलिए आपके क्रियाकलाप है
चलिए स्पीकर उतारे गए, अपने प्रेम से उतारे गए, आपकी जो नफरत की राजनीति खत्म हो गई, टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले जो है आज तुम दुबा के छोड़ना चाहते हैं। चलिए चलिए चलिए, बाबा जी के पास हर उपाय है। दीक्षित जी, दीक्षित जी, और लोगों को मौका देना है। दीक्षित जी केवल चल, आप चुनाव नहीं लड़े थे। अरे दीक्षित जी तो हालत खराब करके, दीक्षित जी, दीक्षित जी, और लोगों को मौका भी देना है। दीक्षित जी, दीक्षित जी, और लोगों को मौका देना है। हमारे साथ और साथी भी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। जावेद जी, आपने पूरी चर्चा सुनी और चर्चा का खास जो विषय है उससे अलग लोग चले जाते हैं, क्योंकि डिबेट का यही होता है कि चर्चा का विषय है वो हमेशा लोग छूट जाते हैं। यहाँ पर चर्चा का विषय ये है कि जिस तरह से यहाँ पर दोबारा आदेश, यानी तीसरी बार आदेश दिया गया है, पहली बार आदेश अखिलेश सरकार में, दूसरी बार योगी पहले कार्यकाल में, और अब योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में आदेश दिया गया है। अधिकारी पहले भी कुछ अधिकारी ऐसे थे, बड़े नाम ऐसे थे जो लगातार अपना ब्यौरा नहीं दे रहे थे, और वही पटकथा दोबारा हुई, अब वही पटकथा तीसरी बार होने जा रही है अगर ब्यौरा नहीं देते हैं। क्या मानते हैं, क्या इन अधिकारियों पर कार्रवाई किस तरह होगी, और विपक्ष इन अधिकारियों की कार्रवाई के लिए क्या मांग उठाएगा? देखिए गौरव भाई, कोई भी हो, भ्रष्टाचार एक तरीके से, एक खून की तरीके से पूरी व्यवस्था को चौपट करता है, और यह एक तरीके से ये भी एक बड़ा आतंकवाद है। हमने ये इस विषय पर बार बार कहा है कि देखिए आदेश हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है, जो बड़े नाम है जो हर सरकार में बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं मानते, किसी कीमत पर नहीं मानते। तो देखिए जो लोक सेवक है, जो उत्तर प्रदेश को, मेरा तो अपना विचार है कि क्योंकि लगातार मेरे हिसाब से अखिलेश जी की सरकार में हुआ, पिछली बार योगी जी की पार्ट वन सरकार में भी हुआ और सेकंड में भी हुआ, इसके पहले मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 1980 में भी इस तरीके की एक बार संभवतः विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस तरीके का एक आदेश किया था, लेकिन वो भी असफल हुए। जी। इसके लिए देखिए क्या है, वो सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का हो या ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ हो, ये सब लोग इनका एक परिवार का दायरा, देखिए कई इकाय सरकारी निकाय इस तरीके के हैं कि उसमें परिवार के दायरे को भी परिभाषित किया गया है कि परिवार कहाँ तक होगा। ये लोग बेनामी संपत्तियां खरीदते हैं, किस तरीके से आप मलिहाबाद रोड, हरदोई रोड पर चले जाइए, भक्ति तालाब की तरफ चले जाइए, बाराबंकी रोड पर चले जाइए, अधिकारियों के एक से एक शानदार फार्म हाउस मिल जाएंगे, लेकिन अब चूंकि अधिकारी को ही कार्रवाई करनी है तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, ये बहुत साफ सी बात है। ये जो कदम है, इस कदम में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है, भ्रष्टाचार किसी भी तरीके से रुके और आम जनमानस को उसका लाभ मिले, क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है वो हमारी कहाँ चली गई है, अभी फोर्ब्स मैगजीन ने भी हमको भ्रष्टाचार के मामले में कहाँ पर खड़ा किया, उसमें हमारा आंकड़ा कहाँ पर होगा, ये देखने वाली बात है कि ये दुखद स्थितियां जो है अखिलेश, मैं तो बहुत साफ तौर पर स्वीकार कर रहा हूँ कि अखिलेश जी की सरकार में भी फोर्ब्स मैगजीन आप पढ़ते हैं, इसका मतलब फोर्ब्स में भी आंकड़ा छप गया मलिहाबाद का। अरे आप सुनेंगे बीच में, ये तो सब लोगों को पता है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा फोर्ब्स मैगजीन में कि कहीं मलिहाबाद में जो है भ्रष्टाचार का अधिकार है। भाई फोर्ब्स मैगजीन में बोलने की आदत है मेरे भाई, ई-बुक या इंटरनेट में ऐसा नहीं है। बोले बोले दीजिए, बोले दीजिए गौरव भाई, बोले बोले आप बोले बोले जवाब दीजिए, बोलिए। तो मेरे अगर आप इच्छा पूछेंगे, अगर कहेंगे तो बहुत साफ सी बात है कि इसके लिए एक सख्त नियमावली बननी चाहिए, और जो भी अपनी आमदनी की घोषणा न करे, अपने परिवार की जो है पूरी चल अचल संपत्ति की घोषणा न करे, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज लोकायुक्त की क्या स्थिति है, कल भी वही स्थिति थी, अगर इन संस्थाओं को हम मजबूत नहीं करेंगे, सशक्त बनाने का काम नहीं करेंगे, तो ये भ्रष्टाचार रूपी आतंक पर कभी भी लगाम नहीं लगाई जा सकती है। यह केवल तमाम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, बिजली कटौती से मची हाहाकार से लोगों का ध्यान भटकाने का 3 महीने का समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद अगले साल फिर उनकी धन संपत्ति का पूरा पूरा ब्यौरा आना चाहिए, लेकिन वो आ पाएगा या धरातल पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये अभी समय के गर्भ में छिपा हुआ है।
फैसले हर सरकार अच्छे करती है, लेकिन जब जमीन पर वो उतरे, अगर जमीन पर वो फैसले नहीं उतर रहे हैं तो विपक्ष मांग नहीं करेगा क्या जी? विपक्ष मांग नहीं करेगा क्या कि सरकार अगर आदेश दिए तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं, ये तो देखिए मुख्यमंत्री जी का विवेक है, पिछली बार क्या हुआ, अब की क्या हुआ, देखिए हम इसमें बहुत वो नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत संवेदनशील है तो निश्चित रूप से अगर वो कोई नियमावली बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें आगे बढ़कर उनको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो करेंगे, उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए पवन जी से जुड़े हुए हैं। तो परंतु नहीं है गौरव जी, जी देखिए भ्रष्टाचार कोई किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आपकी सरकार में भी जो है अफसरों ने ब्यौरा नहीं दिया था, ये पटकथा पुरानी है, अफसर हर सरकार में ब्यौरा नहीं देते। 6 साल चालू हो गया, योगी जी के भी सरकार में नहीं दिया, योगी जी तो बहुत सख्त प्रशासक है, मैंने तो कहा कि 1980 अखिलेश जी सख्त प्रशासक नहीं थे क्या? लागू हुई थी अखिलेश जी सख्त प्रशासक नहीं थे क्या? देखिए गौरव भाई, अधिकारी जानते हैं कि वो उनकी स्थिति क्या है, वो अपनी स्थिति इतनी मजबूत रखते हैं, इस तरीके की व्यवस्था बनाकर चलते हैं, सरकारों को भ्रमित करने का काम करते हैं कि बड़े बड़े सख्त प्रशासक भ्रमित होकर उनके आसपास ही पूरे वही अधिकारी घूमते रहते हैं। ये कौन नहीं जानता गौरव भाई, आप भी जानते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में है वो जानता है, इस बात को स्वीकार कर लेने में हमें तो कोई शर्म नहीं आ रही है। चलिए मैं तो बहुत स्पष्ट, अगर कोई नियम या अध्यादेश आता है तो आपकी पार्टी उसका समर्थन करेगी? नहीं सर, लाए तो भाई ड्राफ्ट लाए किस तरीके का, एक परिवार का भी सीमांकन होना चाहिए, घरेलू नौकरों के नाम किस तरीके से चल अचल संपत्ति को इकट्ठा किया जाता है, ये किसी से छिपा है, ईडी से छिपा है कि सीबीआई से छिपा है कि किसी सरकारी संस्था से छिपा है? चलिए पवन जी वहां से जुड़े हुए, पवन जी से भी जवाब ले लेते हैं। जावेद भाई, पवन जी पूरा आपने सुना, सबके बयान सुने, हालांकि जो पैर मुद्दा थोड़ा भटक गया था, पर क्या मानते हैं, क्या कारण है कि उनको पता अधिकारियों को अगर हमको प्रतिनियुक्ति के लिए जाना है तभी हम ब्यौरा दें, तभी हमको आईपीआर देना पड़ेगा, और अगर हमको केवल पदोन्नति के लिए जाना है तो हमको आईपीआर देने की आवश्यकता नहीं है, क्या यही कारण है? क्या गवर्नमेंट को अब पदोन्नति के लिए भी आईपीआर को अनिवार्य नहीं कर देना चाहिए? अगर पदोन्नति के लिए आईपीआर अनिवार्य हो जाएगा तो लगता है सारे लोग अपना ब्यौरा साल दर साल देने लगे, तो यही कारण मानते हैं क्या? बिल्कुल गौरव जी, इस पर काम भी हो रहा है, जहाँ तक हम जी हमारे सूत्र हैं हम लोग देखते हैं जी, काम भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये है कि जो 30 साल का जी, फिर अभी भाई साहब लोग कुछ नाराज हो जाएंगे, सच्चाई बोलने पे ही हो जाता है जी, पिछले जो 30 साल की जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, सुधारने में समय लगेगा, सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है, नो डाउट, और लेकिन सुधार के साथ साथ इनको ये भी देखना होगा, आदित्यनाथ योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जो ग्राउंड्स पे इनके माननीय विधायकगण लोग हैं उन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि पिछले सरकार में हम देखें बहुत सारे विधायक आए थे, सब कमल के फूल के नाम पर सबको टिकट मिल जाता है और जनता उनको चुन लेती है, क्योंकि लीडर अच्छे हैं, जिनकी लीडर्स जो निचले स्तर पर देखते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे आदित्यनाथ योगी जी हो, तो जनता इसलिए इनको मौका देती है, बार बार देती है। लेकिन अगर हम पिछले बार की देखें तो बहुत सारे विधायक ऐसे थे जिनकी स्थिति ये थी कि चुनाव लड़ते समय, जब उस बार चुनाव लड़ रहे थे तो अपना 2 बिस्वा 3 बिस्वा बेचने की स्थिति आ गई थी, 2-3 बिस्वा, तात्पर्य 10 लाख 15 लाख 20 लाख, अगर उस समय ऐसी स्थिति थी और चुनाव होने के बाद 5 साल व्यतीत होने के बाद आज उनके पास 150-200 करोड़ रुपए से ऊपर की जो दिख रहा है जी, कहां से पैसे आ रहे हैं, नेताओं को सुधरने की आवश्यकता है, अधिकारी सुधरे हुए हैं, अधिकारी कितना भी गिर जाएगा अगर नेता उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अधिकारी काम करता है लेकिन नेताओं का दबाव शुरू हो जाता है। अभी ताजा उदाहरण आप देखिए, बलिया की बात करें हम जी, माननीय विधायक बीजेपी केतकी सिंह जी हैं, वो उनके साथ जो समर्थक हैं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस पे आदित्यनाथ योगी जी को ध्यान देना होगा, वो कोई भी विधायक हो चाहे इनके पार्टी का हो विपक्ष का हो, इस पे काम करना होगा। अगर इस धरातल पे नेताओं को सुधार ले गए, नेताओं को अगर सुधार ले गए तो ये उत्तम प्रदेश बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आदित्यनाथ जी नो डाउट्स बहुत ईमानदार हैं, जहां तक हम लोग देख रहे हैं उनके कार्य करने की क्षमता हम लोग देख रहे हैं, उस पर उंगली उठाने वाले वो ऐसे ही होंगे कि जो है लड़ाई करना, क्योंकि चाकू बल्लम टाइप के लोग नेता होते हैं। अगर हम संपत्ति के ब्यौरे की बात करें तो 2012 में अखिलेश यादव जी ने केवल अफसरों से मांगा था, और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी पहला कार्यकाल था तो उन्होंने केवल अफसरों से मांगा था, पर इस बार जो
पटकटा है वो चेंज हो गई है। अफसरों के साथ साथ आईएएस पीसीएस आईपीएस के साथ साथ मंत्री और उनके परिवार जन के लोग भी शामिल बिल्कुल हो गए। बिल्कुल तो ये नई चीज में ऐड हुई है और उनसे भी ब्यौरा मांगा है कि जिससे कि ये लोग भी गलत जगह पे जाके इंगित ना हो या गलत चीजें ना करने में इनका भूमिका ना हो। पर निश्चित रूप से यहाँ पर आपने कहा कि अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, पर कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके साथ अभी कार्रवाई होना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि लगातार कई कार्यकाल उनके गुजर चुके हैं और वो अपनी संपत्ति का चाहे चल हो ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको इनके ऊपर कार्रवाई करना एक नज़ीर देना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ ऐसी नियमावली भी बनानी चाहिए कि अगर आपको पदोन्नति करनी है तो आपको आईपीआर देना होगा, क्योंकि अभी तक आईपीआर की स्थिति केवल केंद्रीय आ रहा है। गौरव जी लगभग 3 महीने में आप देखिए इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। मुझे ऐसा एहसास है कि जो काम आदित्यनाथ योगी जी की टीम करती है बहुत अच्छी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राउंड लेवल पे काम होता है, आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो काम हो रहा है। अगर काम अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, चाहे हम हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सबको करना चाहिए। लेकिन जो कमियां हैं, कमियां भी हमने केतकी सिंह की कमियां हमने गिनाई है, वो कमियां भी होनी चाहिए, तो कमियों का भी सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर अच्छाइयां हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि जो है हमारे प्रवक्ता महोदय भी जिसे बहुत कुछ कह गए, आरिफ जी हमारे बहुत कुछ कह गए, तो ये से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जमीनी स्तर पे। आप महंगाई है, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं आप? आप विपक्ष की पार्टी है, महंगाई के ऊपर आप आइए। आप तो कहते हैं कि बीजेपी थी तो वो स्मृति ईरानी जी और कहां कहां बैठ करके लोग जो है धरना प्रदर्शन दे, आप आइए ना। आप तो ट्विटर वाले हैं, वो अमेरिका भाग जाते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनके कार्यकर्ता को जब ऊपर लाठियां बढ़ती है तो अमेरिका बैठे होते हैं, ट्विटर गेम करते हैं, ट्विटर से संगठन नहीं चलता है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कितनी मजबूती से वो काम कर रही है, धरातल पे काम कर रही है। आपको भी आना है तो आप भी धरातल पे मेहनत से काम करिए। चलिए चलिए, हम जब सड़कों पर आए तब आपने हमको देखा या नहीं देखा आप बताइए। हम बिल्कुल देखते रहते हैं, हम उसी हजरतगंज पे हैं, हम उसी अटल चौराहे पे, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम देखते रहते हैं। बहुत बहुत उग्र होकर के नहीं, आप हम उग्र नहीं हो रहे। आप जब जो है बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के आप जब बताते हैं तो दुख होता है। आप धरातल पे ना आना के आप सामने वाले के ऊपर उंगली उठा देते हैं, आप हमारी पत्रकारिता पे उंगली उठा देंगे। आज 17 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारी पत्रकारिता पे उंगली उठा देंगे। आप जो भी जो आप नहीं, आप प्रूफ करिए, आप प्रूफ करिए, सुनिए आरिफ जी आप प्रूफ करिए, आप प्रूफ करिए आरिफ जी, आप प्रूफ करिए और हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। नहीं आरिफ जी अगर आप कुछ भी कहते हैं, आप एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरी बात को समझिएगा। आपके पत्रकार हो इसीलिए मैं आपसे, नहीं आप अगर कुछ भी अपना आप अपना कुछ भी अपनी बात रखेंगे तो उसको कागज पत्र से मजबूत रखिए। आपके पार्टी लोगों से आप सीखिए, आपके पार्टी में ऐसे ऐसे नेता थे जिनको पूजने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं। आप कहेंगे उस रास्ते पे चल रहे हैं, पार्टी में नेता आज भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। अरे अब आपको अच्छे लग रहे हैं ना, आप अच्छे आपको अच्छे लग रहे हैं सर, तो अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, वो तो अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं सर। धरातल पे आप आइए तब पब्लिक अच्छा जाएगी। क्षमा करिएगा आरिफ जी, आप मजबूती से लड़ाई लड़िए। आप पार्टी सुनिए सर, अभी आप कह रहे थे, सुनिए आप कह रहे थे अखिलेश से आपका संबंध नहीं है। अरे आप चुनाव में दोनों गले में गले हाथ डाल के चुनाव लड़ रहे थे, तब आप कह रहे थे आप सपा से आपको मतलब नहीं है, आप कैसे पार्टी से हैं भाई? आपने कहा कि अखिलेश जी से मेरा मतलब नहीं है और चुनाव हम गठबंधन में मतलब भाई। पवन जी ने प्रश्न उठाया है जी, मैं उस पे 5 सेकंड अपनी भी राय देना चाहता हूं। बिल्कुल 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 जाबिर भाई बिल्कुल बोलिए। देखिए पवन जी ने जो कहा, पहले जाबिर भाई ले, जाबिर भाई के ले ले, बोलिए 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 जाबिर भाई। मुझसे अगर आप व्यक्तिगत रूप से, मैं पवन जी से सहमत हूँ। देखिए लोक सेवकों के लिए उत्तर प्रदेश देश में बने न बने, अगर योगी जी इस रास्ते पर चले हैं तो लोक सेवकों के लिए, वो चाहे विधायक हो या सांसद हो या ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हो या विपक्ष के हो, सबके लिए समान एक नियमावली बननी चाहिए और इस पर अंकुश लगना चाहिए। इसमें कोई मैं किंतु परंतु करने के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ। अगर पवन जी इस रास्ते पर हैं, पवन जी ने जो सवाल उठाया है, योगी जी को चाहिए कि वो सबकी संपत्ति का ब्यौरा ले, जो भी लोग जो है सार्वजनिक जीवन में है, सदन के अंदर है, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में है, कहीं पर भी है, उनका निश्चित रूप से जो है जो भी चल अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा सरकार के पास होना चाहिए। दीक्षित जी आप हमारे साथ मौजूद, दीक्षित जी क्या मान, अभी लेता हूँ आपको, अभी आखिरी में आपको लेता हूँ, आप ही को लूंगा। दीक्षित जी ये बताइए कि सरकार ने समय दिया है
पहला कार्यकाल भी रहा। हम अखिलेश यादव के सारे की कार्यकाल की बात नहीं करेंगे, हम 17 की बात करेंगे। और इस बार 22 में अलग तरह की पटकथा है और मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों को भी जोड़ा गया है और साथ ही साथ अफसरों को भी कहा गया है कि अपने कार्यकाल का ब्यौरा दें। क्या मानते हैं कि 3 महीने का 100 दिन का समय दिया गया है, कार्रवाई होगी अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे? क्या मानते हैं, कार्रवाई की जाएगी? देखिए गौरव जी, मैं यही कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री की ईमानदारी कर्मठता का प्रमाण पत्र हमें विपक्ष से लेना है। जनता जनार्दन ने हमें 2022 के चुनाव में आशीर्वाद देकर एक बार पुनः 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी है। और आपको बता दें, हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के नाम पे और आतंकवाद के नाम पे जीरो टॉलरेंस रखते हैं। कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या किसी दायित्व पे, वो बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी बात है, मैं और अलौद के प्रवक्ता को कहूंगा ये लिंक नहीं, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए जावेद जी, फिर मैं बोलूंगा तो आप कहोगे मर्यादा। अरे भाई बोल रहे, पहले जावेद समाजवादी प्रवक्ता, और इनको मेरा एक ही सुझाव है, वो भी मुफ्त में, अभी मैंने कहा था कि उपदेशो ही मूर्खाड़ा। आप चैनल के बाद व्यक्तिगत फोन करिएगा, अगर ये डिबेट देखेंगे माननीय जयंत जी तो आज पार्टी पे क्या कार्रवाई होगी। आप दोनों अभी गलबलियां मना के 1 महीने पहले चुनाव में लड़ रहे थे, अभी भी दोनों पार्टी एक है, आप उसको अलग कर रहे हैं। चैनल पे आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्राइम टीवी के चैनल पे आप झूठ बोल रहे हैं। आप दोनों साथ थे कि नहीं, और आज साथ नहीं है, यह बात आरिफ महोदय जिम्मेदार प्रवक्ता अगर ऐसा बड़ा झूठ बोले। नहीं नहीं देखिए जी, मैं हूँ साथ में हूँ, हाँ, गठबंधन तो, साथ में ही है। नहीं तो आप प्रचार आप मना फैलाइए, आप इस लिंक को माननीय जयंत जी और माननीय अखिलेश जी को जरूर भेजिएगा। नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, मेरा सुझाव है। और दूसरी बात आपको बता रहे, और रही बात संपत्ति के मुद्दे पे, गौरव जी 10 सेकंड और दीजिए, पूरा कहूंगा। संपत्ति के मुद्दे पर सारे रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, और आपको बता दे, किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति चाहे वो कितने बड़े से बड़ा पद पर हो, इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। और सभी के 100 दिन पर्याप्त हैं, सबको पर्याप्त मौका दे रही है कि सब अपने आय का संपत्ति का ब्यौरा परिवार के साथ सबमिट करें। और हमारी सरकार निसंदेह देखिएगा अगले 5 वर्ष में भव्य उत्तर प्रदेश बनाएगी, और जो मुख्यमंत्री की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो हम पूरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में अयोध्या के नाम पे आज यही जिन्ना की मानसिकता, समय पूरा हुआ, भव्य राम मंदिर भी बनेगा और भव्य उत्तर प्रदेश, समय पूरा हुआ। 30 सेकंड में अरिजीत, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपके पास, बोलिए जी। जी गौरव जी, मेरा कहना ये है, हमारी हमारे जो साथी पैनलिस्ट बैठे थे बीच बीच में बोल लेते थे, बात नहीं पूरी होने पाती थी। जी जी। मेरा कहना ये है कि देखिए हम विपक्ष में हैं और योगी जी अच्छी बार जो मुख्यमंत्री नहीं, आप विपक्ष में नहीं है, आपने मेरी बात मेरी हो जाने दीजिए, बार बार देखिएगा। चले चले जी जी, बोल लीजिए, समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है, और आप झूठ बोलते हैं, समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है। चलिए चलिए, आप सभी का धन्यवाद, आगे आगे चर्चा होती रहेगी। चलिए, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अब हमने देखा इस चर्चा का विषय था कि अधिकारी और मंत्री और उनके रिश्तेदार अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे कि नहीं देंगे। हालांकि ये आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जो लगातार अपने दूसरे कार्यकाल में पूरी तरह सक्रिय है और नई कार्यशैली के साथ, नई जोश के साथ अपनी सरकार को चला रहे हैं। अब आने वाले 3 महीने में 100 दिन में क्या होगा, अधिकारी ब्यौरा देंगे नहीं देंगे, और जो एक नियमावली बनी है कि अगर ब्यौरा देना है तो अगर पदोन्नति के लिए ब्यौरा दिया जाएगा तो शायद ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी और अधिकारी लोग अपना ब्यौरा देंगे। और साथ ही साथ इस बार इस आदेश में मंत्री और उनके परिवारजनों को भी जोड़ा गया है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। अब आने वाले समय में क्या ब्यौरा आएगा, क्या स्थिति होगी, क्या इस आदेश का पालन होगा, वो पक्ष बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि कार्यशैली अलग है और जो व्यवस्था है वो अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, और जीरो टॉलरेंस नीति को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके और किस तरह से भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके, इस पर सरकार अग्रसर है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।